माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर फिजिक्स क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी आप जानते हैं। तो सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसकी कोड है KS101T, मॉड्यूल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मन पुजारी। और जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशन बिटवीन ई एंड बी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको हम डिराइव करेंगे। तो टॉपिक रिलेशन बिटवीन ई एंड बी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये होगा आपकी टॉपिक। इसको जब हम डिराइव करेंगे, हम जो इक्वेशंस यूज करेंगे वो होगा यूजिंग मैक्सवेल्स थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। थर्ड इक्वेशन डेल क्रस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी। हमने एच वाले इक्वेशंस इसलिए नहीं यूज किया, डी और एच, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस ऐसे चाहिए दोनों में सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, ई और बी दोनों में है, तो इसलिए हमने ये दोनों इक्वेशंस को लिया, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। अब हम कोई भी इक्वेशंस की जब कर्ल निकालेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगा उसको डिराइव कर लेते हैं। कोई भी वेक्टर लेते हैं ए, कर्ल ऑफ ए, तो ये कैसे आएगा, ए एक्स डेल बाय डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए वाई। ये कर्ल की ऑपरेटर इस तरह की होते हैं, ए वाई डेल बाय डेल जेड ए एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स ए जेड। और जो थर्ड कंपोनेंट होगा ए जेड डेल बाय डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाय डेल वाई ए एक्स। ये हो गया आपकी कर्ल की जो फॉर्मेट है यही है। तो इसको हम आगे डिराइव करेंगे, डेल बाय डेल वाई, और इसकी वैल्यू जो आएगा ई नॉट एक्स ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई
plus kzz minus I omega t minus del by del x e naught z e to the power I kxx kyy kzz minus omega t. ये एक ही टर्म हुआ. उसी तरह से ए वाई टर्म में जो वैल्यू आएगा डेल बाय डेल जेड होता है और ये वैल्यू सेम रहेगा ए जीरो एक्स ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस आई ओमेगा टी. फिर दूसरा टर्म जो आएगा डेल बाय डेल एक्स होगा, डेल बाय डेल एक्स और इसमें ई नॉट जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई के जेड जेड माइनस ओमेगा टी. ये हो गया आपकी सेकेंड टर्म. उसी तरह से थर्ड टर्म हो जाएगा ई जेड डेल बाय डेल एक्स पहले आ जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ई वाई की जगह पर ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस आई ओमेगा टी माइनस डेल बाय डेल वाई और ये जो टर्म आएगा ई नॉट एक्स. ई नॉट एक्स और इसमें भी ई नॉट वाई आएगा, ई नॉट जेड था ठीक है, ई नॉट एक्स ई टू द पावर आई के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड माइनस आई ओमेगा टी. सही में आई आएगा. ये हो गया हमारे तीनों टर्म. हमने क्या किया है कर्ल ए की जो वैल्यू है उसमें हमने ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह पर हमने ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन बन जाएगा आई ए एक्स ई नॉट जेड के वाई माइनस ई नॉट वाई के जेड. ऐसे ऑल्टरनेटिव होगा ए वाई के साथ जो मल्टीप्लाई होगा ई नॉट एक्स के जेड माइनस ई नॉट जेड के एक्स और ए जेड के साथ जेड वाई वाई जेड एक्स जेड जेड एक्स और ये एक्स वाई हो जाएगा ई नॉट वाई के एक्स माइनस ई नॉट एक्स के वाई. हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो कि ये टर्म आ जाएगा. आगे डेरिवेशन दूसरे पेज में जो सपोज इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे वैल्यू आ जाएगा, बड़ी सिंप्लीफाइड टर्म आ जाएगा कर्ल ऑफ ई, क्योंकि यहाँ ए के जगह पर हमने ई ले लिया है आई के क्रॉस ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी. और इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं के क्रॉस ई आ जाएगा कर्ल ई इक्वल टू आई के क्रॉस ई. ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है इक्वेशन नंबर. अब हम क्या करेंगे कि
इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थ्री इन थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। थर्ड इक्वेशन क्या है? कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी है। कर्ल ई का वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये वैल्यू यूज कर लेंगे, आई के क्रस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल टी। वेक्टर सिंबल आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते कोई बात नहीं, ये तो अंडरस्टूड होता है, माइनस डेल बाय डेल टी। बी को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी, ये बी की वैल्यू आ जाएगा। डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आई ओमेगा बाहर आ जाएगा, बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस आई ओमेगा टी। तो ये क्या है, बी ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई के डॉट ई, क्या वैल्यू आया, आई ओमेगा बी आ गया, और आई आई कैंसिल करने के बाद के क्रस ई आयोटा को कैंसिल करने के बाद ये ओमेगा बी आ गया। ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो हमें मिला, के क्रस ई इज इक्वल टू ओमेगा बी, इक्वेशन नंबर फोर। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन डेल क्रस बी वी कैन ऑब्टेन आई के क्रस बी इज इक्वल टू म्यू नट इप्सिलॉन नट माइनस आई ओमेगा ई। इसमें यूजिंग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन यूज करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं, के क्रस बी बन जाएगा माइनस ओमेगा म्यू नट इप्सिलॉन नट ई, जिसको हम लिख सकते हैं के क्रस बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा म्यू नट इप्सिलॉन नट ई। तो ये जो फॉर्मूला आया इक्वेशन फोर एंड फाइव, दीज आर शोइंग दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, इक्वेशंस फोर एंड फाइव इंडिकेट्स दैट ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू के एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसलिए ये है आपकी ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस इज योर कंक्लूजन। ये हमने प्रूव कर लिया इक्वेशन फोर एंड फाइव में। जब डायग्रामेटिकली इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिक वेक्टर ई, एंड द मैग्नेटिक वेक्टर विल बी, मैग्नेटिक वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस।
अब विजुलाइज करेंगे तो ये एक दूसरे प्लेन में है। तो सपोज ये एक्स है, ये वाई है, जेड है, तो जो बी वेक्टर है, दिस इज बी, ई इज परपेंडिकुलर टू बी। तो आज हमने ये प्रूव करा डेरिवेशंस के माध्यम से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और इसको जब हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किस तरीके से इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाता है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से डेरिवेशंस करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन और कर्ल ऑफ एनी वेक्टर की जो वेक्टर प्रोडक्ट या कैलकुलेशंस है उसको भी आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। तो आज हमने क्लास में ये प्रूव किया कंक्लूजन में कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगले क्लास में हम एनर्जी मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिराइव करेंगे। धन्यवाद।